स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो चलिए हम आज न्यू रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम पालक का नाश्ता बनाने वाले हैं और हम इसे चाय, ग्रीन चटनी या केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और फटाफट ही शाम को जैसे भूख लगे तभी भी हम इसे बना सकते हैं, तो फटाफट बनाते हैं। चलिए अपना हम पालक का नाश्ता। मैंने एकदम फ्रेश पालक लिया है, ये देखिए कितना अच्छा है। तो चलिए मैं इसका नाश्ता बनाती हूँ, बहुत ही एकदम चटपटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है और ये मैं माप से लगाऊँ तो 3 कप के लगभग मैंने पालक काटा है। तो मैं इसे एक बाउल में डाल लूँगी, ये देखिए मिक्सिंग बाउल ले लिया मैंने एक और इसमें डाल लूँगी। तो ये मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। एक कप मैंने बेसन लिया है, ये डाल दूंगी इसमें और इसमें मैं 3 टेबलस्पून ये चावल का आटा लिया है, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा टेस्ट आएगा और क्रिस्पी करने के लिए ये 3 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिया। तो 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 पिंच इसमें हींग डालूंगी मैं। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लिया है मैंने, ग्राइंडिंग जार, और इसमें 5 कली लहसुन, 4 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 टीस्पून जीरा, इसे हम पीस लेंगे और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है, इसका पेस्ट कर लिया है, ये डाल दूंगी इसमें और 1 नींबू डाल देंगे इसमें हम, इससे क्या टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, खट्टा और इसे फूलने में भी आसानी हो जाएगी। अब इसमें हम लास्ट में नमक ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून के लगभग, आप अपने स्वाद अनुसार डालें और सारी चीज़ों को फिर हम मिक्स करेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें ज़रूरत पड़े 3-4 टेबल स्पून जितना भी पानी डालें, डो लगाना है हमें सॉफ्ट थोड़ा ठीक ठाक, और बेसन बहुत ज़्यादा ना डालें नहीं तो ये फिर अच्छे से बनेंगे नहीं, बेसन कम रखें। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून और इसको डो को तैयार करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके हल्का सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है, पहले 2-3 चम्मच डालूंगी उसके बाद फिर और रिक्वायरमेंट होगी तो और डालूंगी। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि पालक भी पानी छोड़ता है और पालक आप एकदम बारीक काटें, मोटा नहीं काटें। तो देखिए डो हमारा तैयार हो गया है, मैंने इसमें 3 ही टेबल स्पून पानी डाला है, बस डो तैयार हो गया है। अभी हम इसे एक, आप इसे अगर कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं, मैं अपने ढोकला वाले बर्तन में बनाऊंगी। मैंने एक ढोकला की प्लेट ले ली है देखिए, और मैं इस डो को इसमें फैला लूंगी इस तरीके से। तो मैंने अच्छे से इसको ये देखिए फैला लिया है, जितना मोटा रखना है थोड़ा, तो मतलब आधे में आए तो आधे में ही फैला लें, इसको पतला नहीं करना है। ये देखिए तो मैं इस पे थोड़े से मैं तिल लिए मैंने ये फैला लूंगी। और इनको हाथ से इस तरीके से दबा दूंगी, हाथ गीले ना होने वापस पड़ जाएंगे आपके हाथ में, थोड़े सूखे हाथ हो तो अच्छे से चिपक जाएंगे, अगर गीले होंगे तो आपके हाथ में ही चिपकेंगे। बस अभी इसे हम ढोकले के बर्तन में रखें। देखिए ये स्टीम हो चुका है, अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये ढोकले वाले बर्तन को रख देंगे, प्लेट को। आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, किसी थाली में फैला के और कढ़ाई में बना सकते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और 15 से 20 मिनट में चेक करेंगे। तो अभी 15 मिनट से ज़्यादा हो गए, इसे हम चेक कर लेंगे अभी बना या नहीं, एक चाकू डाल के देखेंगे, अगर ये अच्छे से क्लीन आएगा तो ठीक है। तो देखिए एकदम क्लीन है, बिल्कुल भी नहीं लगा इसमें, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम इसमें से निकाल लेंगे। तो इसे अभी हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके हम पीसेस कट करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, ये देखिए अभी हम इसके पीस कट कर लेंगे
तरीके से। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने सबके पीस कर दिए, अभी इन्हें हम निकाल लेंगे इसमें से। तो सभी को इसी में से इस तरीके से निकाल लेंगे, और आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से भी बिल्कुल पक के अच्छे से तैयार। अगर आप ऐसे खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, और नहीं तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा सैलो फ्राई कर लूँगी, थोड़े से क्रंची हो जाएंगे ये तो, और फिर इन्हें हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है, मैं इन्हें सैलो फ्राई करूँगी। आप दोनों टाइप से भी रख सकते हैं, आधे आधे, आधे बिना फ्राई के रख लें और आधे फ्राई कर लें, वैसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इन्हें विदाउट लहसुन के भी बना सकते हैं आप। हम पलट लेंगे थोड़ा थोड़ा, एक साइड से सीख गए, दूसरी साइड से और सेक लेंगे, बस क्रंची हो जाएंगे, इससे अच्छे भी लगेंगे। इस तरीके से सभी को पलट लेंगे। तो अभी सीख चुके हैं, देखिए दोनों साइड से मैंने इन्हें क्रिस्पी कर लिया है। ये देखिए अभी इन्हें हम निकाल लेंगे और बाकी के सेक लेंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें किसी किचन टॉवल पे निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए। तो बाकी के भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे, बचे हुए ये सारे सेक लेंगे इसमें। तो ये लीजिए हमारा नाश्ता बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।